बैठ के ग्राम रसूलपुर धोलड़ी में चेतना आज़ाद वॉलेंटियर्स एनजीओ और तहजीब अली की तरफ से कंबल वितरण का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण व बाहर से आए अतिथिगण चेतना आज़ाद वॉलेंटियर्स एनजीओ व तहजीब अली के बारे में। केटी लाइव न्यूज़ के लिए हसन खान के साथ तरीकत चौधरी की रिपोर्ट। नाम आपका? ये जो आज यहाँ पे रसूलपुर धोलड़ी में कंबल वितरण का प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में ये है कि खास तौर पे जो हमारी संस्था है चेतना सेवा संस्थान, और इसी के साथ साथ हमारी 5 NGO और हैं जिनका ये पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है। लगभग 28 साल से हम लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा कि मेरी तो उम्र भी 28 साल नहीं, लेकिन सिस्टम क्या है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। हम लोग 20 सदस्य अभी बने हैं लेटेस्ट, लगभग 1 महीना हो गया। तो इस संस्था का मेन मकसद जो है वो जनसेवा है, यानी जितना से जितना लोगों की सेवा करी जाए उतना कम है। इसी के साथ साथ हम लोग एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन की अकेडमी है जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाए बच्ची जाती है, आप जैसे दिल्ली में देख सकते हैं, और रुड़की में मैं खुद संचालन कर रहा हूँ मेरी संस्था का। इसी के अंतर्गत ये हम लोगों ने कंबल बांटने का प्रोग्राम रखा था। कंबल बांटने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक अलग जगह कि यार जब ये लोग इस काम को कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और हम सब मिलके अगर इस चेतना जो सेवा संस्थान है हमारा और हमारा पूरा एनजीओ के 5 NGO हमारी उसका पूरा ग्रुप है 28 साल पुराना, तो उसने ये अलग जगह ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी सेवा पहुंचे, जिसके पास सेवा पहुंचेगी वो उसके बाद फिर अपने आप कवर अप करेगा, यानी दूसरों को भी हेल्प करने की कोशिश करेगा। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग पैसे से ही मदद करें, हम लोग किसी को सहारा दे के हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास कार है, किसी की तबीयत खराब है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाकर भी मदद कर सकते हैं, किसी के बच्चे की फीस जमा नहीं तो हम उसकी फीस जमा करा सकते हैं, किसी ने बच्चे ने ड्रेस नहीं ली तो उसकी ड्रेस दे सकते हैं, या किसी भी विद्यालय में जाके हम बात कर सकते हैं यार हमारे इतने गांव के बच्चे हैं आप लोग इन्हें फ्री पढ़ाइए। ये आपने रसूलपुर धोलड़ी जो गांव चुना इसका कुछ कारण बताएंगे? इसका मेन कारण जो है तहजीब जी, इसलिए काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे भी इनके पास जनसेवा केंद्र भी है, हमारे भाई हैं तहजीब जी, ये काफी सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग हमें जो पूरी संस्था है वो सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद चुनती है लोगों को, तो यहाँ जो रसूलपुर धोलड़ी है इस गांव का तो नाम शायद हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब नेट पे सर्च किया कि समाज सेवा से जुड़े हुए लोग कौन, तो उसमें सबसे पहला नाम जो आया उमर तहजीब जी का आया निकल के धोलडी गांव से, तो इसलिए तहजीब जी को सुना धोलडी गांव से, और इन्होंने एकदम चुनने के साथ ही तुरंत ये प्रोग्राम रखा कि हमारे जो गांव के लोग हैं उन्हें कंबल वितरित कर दें सर्दी का मौसम है। तहजीब जी आप बताएंगे कि आप जो समाज सेवा कर रहे हो ये आपको कहां से प्रेरणा मिली? समाज सेवा पिछली 4-5 साल से कर रहा हूँ। 2013 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था बंधुवन एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का, इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 99 और बाबा रामदेव जी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 98। तब से मैं ये संस्था में बराबर काम कर रहा हूँ और ये प्रेरणा मुझे मेरे परिवार ने मेरे गाँव वालों ने दी। तो यहाँ पे जो कंबल वितरण का प्रोग्राम है इसमें कितने कंबल वितरण किए जाएंगे? लगभग 120 कंबल वितरण तो अब होने हैं, 400 से ज्यादा हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे गांव के लोग भी कुछ सहयोग कर रहे हैं आपका? गांव के लोग भी सहयोग करते हैं, मेरे सभी पूरे गांव के लोग सहयोग करते हैं, ग्राम प्रधान जी सहयोग करते हैं, जो भी मेरे गांव के हैं सब मुझे अपने सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। प्रधान जी आपके गांव में जो प्रोग्राम किया जा रहा है आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, जन चेतना द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और श्री तहजीब अली द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, तो इस सर्दी के मौसम में कंबल लेकर लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। तहजीब जी से जब मेरी इस विषय पर बात हुई थी मैंने कहा बिल्कुल आप इस प्रोग्राम को कराइए, मैं आपकी तरफ पूरी तरह सहयोग करूंगा और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसकी भरी भरी प्रशंसा करता हूँ मैं इस प्रोग्राम की। भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और मैं मीडिया जगत से भी अपील करता हूँ कि इस तरह फैलाए और लोगों में जागरूक करने की कोशिश। आप अपने ग्रामीणों के लिए देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे समाज सेवा के लिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमें एक समाज में एक दूसरे की मदद करके ही हम समाज को बना सकते हैं, और गरीब लोगों की मदद करें जो भी है, जैसे बताया है सभी ने अपने स्पीच के बारे में कि सिर्फ कंबल ही मकसद नहीं है, हमें एक दूसरों की मदद भी करनी है ताकि हम जो है इस गरीबी रेखा को समानांतर स्थान पर ला सकें।